सोच क्या रही हो गुड्डन? ये तो हर शादी में होता है, और बच्चे की प्लानिंग आज नहीं तो कल करनी होगी। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। अभी अभी शादी हुई है और रिश्ते में थोड़ा एडजस्ट हो जाऊं, उसके बाद फैमिली प्लानिंग भी कर लूंगी, और फिर बाकी रिश्तों में क्या होता है क्या नहीं होता है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, बस अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। थोड़ा सा स्लो लेना चाहती हूँ चीज़ों को, एंड आई बिलीव कि अगस्ते भी यही चाहता है। आई होप कि आप मेरे इस डिसीजन में मेरा साथ देंगी। गुड्डन बिल्कुल सही कह रही है, ये उसकी लाइफ है, उसकी शादी, उसको जितना वक्त चाहिए दे दीजिए। मम्मी जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा, चले। आज हिम्मत नहीं खो सकता मैं। उस राशि के लिए गुड्डन को हमारी शादी का सच बताना ही होगा, उसे और धोखा नहीं दे सकता। सही कहती हो गुड्डन, हमारे इस रिश्ते की नई शुरुआत में कोई भी झूठ और धोखे की कोई जगह नहीं है। एक्चुअली एक बात है जो मैंने तुमसे छुपाई है, बट ट्रस्ट में मैंने बहुत बार कोशिश की मैं तुम्हें बताऊं, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। पर तुम्हें और धोखा नहीं दे सकता मैं। यू डिजर्व टू नो द ट्रुथ। हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी की तरह नहीं थी, ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ प्लान्ड था, और वो इसलिए था क्योंकि अगस्त, दरवाजा क्यों बंद किया है? अगस्त, मेरे हस्बैंड के कमरे में कोई और लड़की, अगस्त, आई रियली लव यू अगस्त, आई रियली लव यू, और मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती। मिया, व्हाट आर यू डूइंग? हां, बिहेव योरसेल्फ, पीछे हट। दरवाजा खोलो अगस्त, दरवाजा खोलो अगस्त, तुम ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। आई रियली लव यू अगस्त, खोलो दरवाजा। निया, क्या कर रही हो आप? छोड़ो मुझे निया। निया, चलो अच्छा हुआ तुम्हें जो देखना चाहिए था तुमने देख लिया। वैसे भी मैं चोरी छुपके कुछ नहीं करना चाहती थी। गलत गलत होता है और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम मुझे सजा दोगी? ओ यू थी फॉर गधी गुड्डन, तुम ना मुझे आगे कहीं स्टैंड नहीं करती। अगस्त सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, पक्की है वो मेरा, और तुम सिर्फ उसकी एक एक्स जेलस फियांसे,
कोई हक नहीं है तुम्हारा उस पर निया, और ये बात मैं तुम्हें कह के नहीं करके बताऊंगी। नहीं, हमारा प्लान बर्बाद नहीं हो सकता। तुम गुड्डन से कुछ भी नहीं कहोगे, तुम्हें हमारा वास्ता है। अगस्त्य, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। आज तक आप ही की तो बात मानता है ना। आप ही के कहने पे मैंने ये सब किया है। गुड्डन से अनचाही शादी तो कर ली, पर उसे और धोखा देना ये मुझसे ना हो पाएगा। चिकू प्लीज मान जा। मत करो ऐसा, वरना पूरे इंदौर में हमारी फजीहत हो जाएगी। तुम जानते हो हमारे लिए मकसद पूरा होना कितना जरूरी है। मैं आपको और साथ नहीं दे सकता। मम्मी जी, संभाली को। माँ, क्या हुआ? बदले थे? माँ, क्या क्या? हाँ ठीक है। आपने आज कैसे दवाई नहीं ली ना? क्यों करती हैं आप ऐसा? संभाली को। लीजिए माँ, प्लीज दवाई खा लीजिए। प्लीज जिद मत कीजिए, प्लीज। देखिए आका, आप जैसे कहेंगे ना अगस्त बिल्कुल वैसे करेगा। आका प्रॉमिस, जैसे आप चाहते हैं। माँ तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज दवाई खा लीजिए। वैसे तुम आज राशि के साथ सो जाओ ना, मैं मामी जी के साथ सो जाती हूँ। इनका ख्याल रखने के लिए आज रात यहीं रहना चाहिए मुझे। मॉर्निंग। सुबह के 8 बज के और अभी तक नैनी टाइम चल रहा है। कोई बात नहीं, जब तक ये सूखे उठाएंगे तब तक इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कराती हूँ। सो जाओ। अरे सोते हो तो फोन साइलेंट पर रखना चाहिए, मुझे हंसी उठ जाएगी, मुझे ही करना पड़ेगा। अरे बाप रे, तो किसन कन्हैया बने बैठे अब तक इतनी सारी लड़कियों के मैसेजेस। आज ना सबके नंबर टिकट कर दे, पहले तो फोन से और फिर दिल से भी। तो निया को मुश्किल से भगाया, किसी की खैर नहीं। ऐसा क्या है जो बीवी से छुपा रहे? बड़ा पासवर्ड लगा के रखा, अब भी देखती हूँ। क्या हुआ? आई ओके? हाँ नहीं, वो मतलब राशि नो दिस, आपकी सहेलियों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं ना, सुबह से पिंग कर रहा है नॉन स्टॉप, रिप्लाई कर दीजिए ना। अरे मैं तो यहाँ सबको गुड मॉर्निंग विश करने आई थी, लेकिन यहाँ तो सबकी मॉर्निंग पहले से ही काफी अच्छी चल रही है। हाँ, और तुम्हारे भैया की तो बहुत ही अच्छी जा रही है, बहुत चाहने वाले जो हैं इनके, है ना?
राशि चलो ना फटाफट से ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर पैनकेक्स टाइम। ये नहीं, आई मीन तुम भी रेडी हो जाओ। फोन पे तो सिर्फ मैसेजेस आएंगे ना, खाना तो नाश्ता तो बीवी देगी। गेट रेडी, चलो चलो चलो। हम गुड्डन, लगता है खत पढ़ने के बाद गुड्डन मुझे छोड़ के चली ही गई। और क्यों ना जाए, इतना बड़ा धोखा जो किया है मैंने उसके साथ। मुझे माफ कर देना गुड्डन, मैं चाहता तो नहीं था कि तुम्हें और इस रिश्ते को खो दूं, लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे में भी नहीं रखना चाहता था। और मेरे किए की सजा यह है कि मुझे तुम्हारे बिना जीना होगा, तो मुझे यह सजा मंजूर है। इतनी छोटी सी जर्नी में कितना ऐसे वो रियल वाला कनेक्शन बन गया हमारा। सात फेरों में वर वधु दोनों से सात वचन लिए जाते हैं कि आने वाले सात जन्मों तक उनका रिश्ता अटूट रहे। मैंने उस इंसान से शादी निभाने का फैसला लिया है जो किसी दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है। अगस्त्य पति है मेरा, एक अटूट रिश्ते में बंधे हैं। तुम कहीं नहीं? लेटर पढ़ा तुमने? नजरें चुराने की जरूरत नहीं है अगस्त्य, गलतियां तो सबसे होती हैं ना, पर उन्हें एक्सेप्ट करने की हिम्मत सब में नहीं होती। सच कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है अगस्त्य, और वो तुमने दिखाया है। तुम एक सच्चे, एक अच्छे, एक जेन्युइन इंसान। तुम्हें अंदाजा है कि तुमसे जो हुआ वो गलत हुआ और उसे ठीक भी करना चाहते हो। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। मेरी रिस्पेक्ट रखते हुए तुमने सब सच बता दिया। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत क्यों होगी भला? कोई शिकायत नहीं है। मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तुमने मुझे सच में माफ कर दिया? क्या नाराजगी क्या माफी, जब गुड्डन को असली लेटर मिला ही नहीं तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब? अगस्त्य चाहे जितना भी शातिर हो जाए पुष्पा जी, रहेगा तो वो आपका ही बेटा ना। उस पर कड़ी नजर रखकर आपने जो मौके पे चौका मारा है ना, उससे सरू माँ बहुत प्रसन्न हुई। और वो गधी गुड्डन, उसको हम जितना बताएंगे वो उतना ही जान पाएगी। 1760 कोशिशों के बाद भी अगस्त उसे सच नहीं बता पाया। गुड्डन के लेटर तक पहुंचने से पहले अगर आपने उसे बदला नहीं होता तो ये मुमकिन नहीं होता सरुमा। गुड्डन को सारा सच बताना चाहता था हमारा लाडला बेटा, लेकिन उसकी जगह उसने पढ़ा हमारा बोया हुआ झूठ कि अगस्त्य ने मनी की जगह मंडप पर इसलिए ली क्योंकि वो गुड्डन से प्यार करता है, क्योंकि राशि गुड्डन को अपनी मां के रूप में देखना चाहती थी।
अगस्त को लगता है कि उसने गुड्डन को सब सच बता दिया और गुड्डन को यह लगता है कि अगस्त ने उसके साथ शादी प्यार और उसकी इज्जत के लिए की और इन दोनों के बीच की गलतफहमी ही हमारे मकसद तक पहुंचने में हमारी मदद करेगी और ये असली सच यहीं पर जल के राख हो जाएगा। कुछ हेल्प कर दो। नो अगर दिवाली की तैयारियां मैं अपने हाथों से ना करूं ना तो ऐसे फीलिंग ही नहीं आती त्योहार वाली। तुम चिल करो, रिलैक्स करो। ओके फाइन, बट अगर किसी चीज की जरूरत हो या कुछ चाहिए हो लाइक एनीथिंग देन आई एम ऑलवेज अवेलेबल। हाँ वैसे एक काम है, करोगे क्या? हाँ ना, बाहर जाके दिए जला दोगे? वेरी फनी यार, वेरी फनी। यू नो गुड्डन, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे आने से ना सब सही हो गया। फैमिली में ना सभी बहुत खुश हैं। एवरीथिंग वर्कड आउट रियली वेल। नहीं सही तो सब हो गया और मेरे लड्डू भी बन गए। चलो मदद करो मेरी, लड्डू रखवा के आते हैं। Are you okay? ऊपर से थोड़ा चक्कर आ रहे थे। यार तुम इतना काम करती क्यों? दिवाली है ना तो तैयारियां तो करूंगी। I'm okay, you don't worry. I will worry. तुम खुद का ध्यान तो रखती नहीं हो। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। चलो let's go. ध्यान से। देखिए अब थोड़ा केयर करना होगा, मतलब हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए आज से नो काम, सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ पर ध्यान रखिए, ठीक है? कुछ सीरियस है क्या? सीरियस तो है लेकिन चिंता वाली नहीं, खुशी वाली। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, गुड्डन माँ बनने वाली है और आप पापा। इनका डाइट प्लान लिखा है और नेसेसरी विटामिंस भी लिख दिए हैं, बस अब आपको इनका पूरा ख्याल रखना होगा। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच गुड्डन, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू सो मच। और तुम देखना, आई विल बी द बेस्ट फादर। पता है अगस्त्य, पीछे ना एक बात कहती थी कि एक औरत तीन बार जन्म लेती है, पहली जब वो खुद जन्म लेती है, दूसरी जब उसकी शादी होती है, तीसरी जब वो एक माँ बनती है। पता है तुम्हारे आने से पहले भी मैं थी पर अधूरी थी। मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच। अरे इस बार की दिवाली कितनी स्पेशल होगी ना, अपने हाथ से पूरा घर सजाऊंगी। एक्सक्यूज मी, अभी सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? नो काम, ओनली आराम। मतलब मैं कुछ भी नहीं करूंगी? एक मिनट, मतलब कुकिंग भी नहीं? एक काम है। हाँ ओके। अपना ध्यान रखना बस।
यह खुशखबरी ना माँ को सुना क्या था, वो बहुत खुश होंगी। मम्मा मैं माँ बनने वाली हूँ। आपकी चोटियां बड़ी हो गई है ना, आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ, उसके बिना थोड़ी आगे बढ़ पाऊंगी। लाइफ का ये स्टेप भी अच्छे से निकल जाए और मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँ, जैसे आपसे सब हो पाता था ना मम्मा, वैसे ही मुझसे भी हो पाए, जैसे आपने कभी भी अपनी इस छोटी पर आंच नहीं आने दी ना, वैसे मैं भी इस बच्चे पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। आशीर्वाद दीजिए ना कि मुझसे सब कुछ बहुत अच्छे से हो पाए। फूलों पर तो बहुत चल लिया छोटी गुड्डन, अब थोड़ा कांटों का भी मजा चख के देखो, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशखबरी कैसे बर्बादी का आगाज बनती है। बस देखती जाओ, कहानी में ट्विस्ट आ गया है, वो भी दिवाली के दिन। डबल धमाल होने वाला है इस बार। निकालिए ना इसे बाहर। घर की बहू को बाहर का रास्ता दिखा दे, ऐसा तो नहीं कर सकते हम गुड्डन। सही सुना तुमने, निया ही हमारी असली बहू है और अगस्त्य की पहली पत्नी। निया ही हमारी असली बहू है और अगस्त्य की पहली पत्नी। थक गए थे हम भी ये नाटक करते करते, अच्छा हुआ आज ये सच तुम्हारे सामने आ ही गया। ध्यान से, तुम्हारी कोख में पल रहे बच्चे के लिए ही हमने ये सब किया है। मैं तो कुछ समझ ना आ रहा है। निया को तो तुम जानती ही हो, पर क्या तुम ये जानती हो कि निया का पूरा नाम क्या है? निया मित्तल, इंदौर के सबसे मशहूर बिजनेस टाइकून अनिरुद्ध मित्तल की बेटी। तुम जैसी गति को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो हम समझाते हैं तुम्हें। ईश्वर ने धन दौलत भरपूर दी, पर बच्चा पैदा करने के वरदान से वंचित रखा हमारी बहू को। इसीलिए हमें एक ऐसी भोली लड़की की तलाश थी जो हमारे खानदान के वारिस को जन्म दे सके। तुम्हें देखते ही हम समझ गए थे
कि जो लड़की एक अजनबी पर विश्वास रख के उसके नाम पर अपना रेस्टोरा कर सकती है, उसे बेवकूफ बनाना तो क्या ही मुश्किल काम होगा। बस जरूरत थी हमें एक ऐसे हथियार की जो जिंदल परिवार के अंदर की सारी खबर हमें दे सके। इस मिट्टी के घड़े के अंदर क्या है? पैसे। पैसे? मैंने सेव किया और आपको पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी डीजे ने 10 साल पहले मुझे जिंदल भवन से निकाल कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तो ये सब जो हो रहा है ना, ये सब कुछ बदला है। पत्नी होके भी पत्नी बने रहना, बहू होके भी बहू बने रहना और माँ होके भी माँ का सुख भोगना, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। वैसे भी तुम्हारी डीजे और आरव भैया तो तुम्हारी शादी होते ही तुम्हें अपने ससुराल के रिश्ते निभाने के लिए छोड़ के चले गए हैं, पर अब तुम्हारा कोई नहीं है गुड्डन। मैं हूँ गुड्डन का। और गुड्डन मेरी है। अगस्त्या भूलो मत, ये प्लान हमारा था। हमारा नहीं, सिर्फ आपका। ऐसा घिनौना प्लान सिर्फ आपका था। गुटन, मैं सब सच तुम्हें बताना चाहता था और उस लेटर में मैंने सब सच सच लिखा था, बट वो लेटर माँ ने एक्सचेंज कर दिया और तुमने वही पढ़ा जो तुम्हें पढ़ाना चाहती थी। प्लीज ट्रस्ट मी।